नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइटन स्टॉक के बारे में। टाइटन स्टॉक में आज के डेट में आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है और ये तेज़ी कुछ दिन से चल रहा है टाइटन स्टॉक में। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि टाइटन स्टॉक के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके सामने रखा जाए YouTube चैनल के द्वारा। हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे वो चैनल को जो है सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो हमेशा मुनाफे वाले स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे YouTube चैनल पे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके एनकरेज ज़रूर कीजिए दोस्तों। टाइटन स्टॉक में आज की डेट में देखेंगे तो अच्छा खासा एक तेज़ी देखने को मिल रहा है और उसी के चलते हम लोग इस वीडियो में थोड़ा रिसर्च करके देखेंगे कि टाइटन में अपने को कितना तक जो है मुनाफा मिल सकता है और एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कोई भी स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों तो हमेशा जो है स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको वो अमाउंट के ऊपर ताकि लॉस ना हो तो वो भी आपको देखना ज़रूरी होता है। तो टाइटन स्टॉक में देखेंगे तो आज के डेट में एक भारी तेज़ी देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और टाइटन स्टॉक का हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो अभी के डेट में आज के डेट में हम लोग देखेंगे तो ओपन हुआ था करीबन 1,067.95 में, हाई प्राइस दिया है 1,079.70 एंड लो प्राइस दिया है 1,051.10 का। तो कभी भी आप स्टॉक लेते हैं तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना दिन के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक रहता है जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में मुनाफा मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि वो स्टॉक में जो है मतलब थोड़ा लॉस देखने को मिल सकता है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए मुनाफा लेने के लिए वो स्टॉक से। शॉर्ट टर्म के लिए अगर स्टॉक लेते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए जो है आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कितना दिन तक आपको उसमें मुनाफा देते हैं दोस्तों। तो अभी टाइटन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो 5 डेज़ का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, 5 डेज़ के ग्राफ में देख सकते हैं दोस्तों करीबन जो 5 डेज़ के अंदर स्टॉक में 973.40 शुरू हुआ था स्टॉक ये 17 जुलाई को, और आज के डेट में स्टॉक जो है करीबन 1,070 में जो है ट्रेड कर रहा है, करीबन जो है 100 रुपये के ऊपर 5 ही दिन में जो है 100 रुपये के ऊपर ये स्टॉक पहुँच गया है। ये स्टॉक थोड़ा महंगा है, उतना नहीं है, तो इसमें जो है अगर आप देखते हैं कि 1,000 करीबन जो है एक स्टॉक में 500 रुपीज़ का मुनाफा दे दिया है, अच्छा स्टॉक है। इसमें जो है अभी जो तेज़ी दिख रहा है और जो ग्राफ का पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि ये स्टॉक में जो है और भी अच्छा खासा तेज़ी देखने को हम लोगों को मिलेगा बहुत ही जल्दी। तो ये स्टॉक में जो है अभी भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर अगर आपने स्टॉक लेके रखा है, डिपेंड करता है आपने स्टॉक कितने में लिया है, तो ये स्टॉक जो है बहुत ही जल्दी 1100 के ऊपर जाएगा दोस्तों। हम लोग वीडियो में देखेंगे आगे कितना तक आप ये स्टॉक और जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 52 वीक लो का प्राइस, 52 वीक का लो प्राइस था वो था 720.90, तो वो अभी क्रॉस कर चुका है ये स्टॉक। एंड 52 वीक का हाई प्राइस था 1,389.95 का, प्रीवियस क्लोज देखेंगे 1,057.70। तो प्रीवियस क्लोज से आज जो है करीबन आप बोल सकते हैं 10 रुपीज़ बढ़ के ये स्टॉक जो है ओपन हुआ है मार्केट में। NSE की बात कर रहे हैं हम लोग, NSE में डेटा देख रहे हैं, तो अच्छा खासा एक मौका है इसमें अभी इन्वेस्ट करने का, करीबन अपने को 50-100 रुपये एक स्टॉक में मिल सकता है। और अभी जो एक न्यूज़ हम लोग रिसर्च करने के टाइम मिला है कि टाइटन को जो है BSI हॉल मार्किंग भी मिल चुका है, गोल्ड एंड सिल्वर सेल करने के लिए BSI हॉल मार्किंग वो भी मिल चुका है। तो टाइटन स्टॉक में अगर आप खरीदारी करते हैं अभी दोस्तों तो इसमें जो है अपने को करीबन 50-100 रुपया मिलने का जो है इसमें दिख रहा है स्टॉक में। आज के डेट में आप ग्राफ में देखेंगे एक बहुत ज़्यादा जो है इसमें बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग चल रहा है और अच्छा खासा इसमें जो है एक मूवमेंट भी दिख रहा है स्टॉक में। अगर हम लोग NSE वॉल्यूम का बात करते हैं स्टॉक का, टाइटन स्टॉक का, तो NSE वॉल्यूम ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 46,654 का इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम दिख रहा है, फेस वैल्यू 1 है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे लोअर प्राइस बैंड देखते हैं 951.95 का लोअर प्राइस बैंड है। तो टाइटन स्टॉक में अभी भी आप जो है खरीद सकते हैं, इसमें एक अभी जो है टाइटन स्टॉक में मौका है खरीदने का। तो अभी इसमें हम लोग एक बार जो है स्टॉप लॉस और इसमें जो टारगेट प्राइस वो भी देख लेते हैं कितना तक इसमें अपने को रखना है स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस। ये स्टॉक पे ख़रीदारी करते हैं अभी तो करीबन जो ये स्टॉक बहुत ही जल्दी अगर हम लोग देखते तो 1110 से लेकर 1115 रुपये तक जा सकता है। तो स्टॉक अगर आपको ये मिलता है करीबन 1060 तक या फिर 1065 तक, तो आपको जो एक ही स्टॉक में करीबन 50-60 रुपया मिल जाएगा। और इसमें जो है आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है, क्योंकि बीच में जो है टाइटन में आप देखेंगे तो 1-2 महीने का ग्राफ लगा के टाइटन में एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिला था। तो आपको इसमें एक स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों, करीबन जो है 1040 रुपीज़ का आप इसमें स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं
अगर आपको कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा बहुत आप रिस्क उठाते हैं तो करीबन जो है 1035 रुपीज तक का आपको इसमें स्टॉप लॉस रख के चलना है। तो टारगेट प्राइस आपको ध्यान रखना है 1110 रुपीज टू 15 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है दोस्तों। ये सिर्फ हम लोगों का एक ओवरव्यू है, ये स्टॉक के बारे में जो रिसर्च करके हम लोगों को मिला है वही हम लोगों ने यूट्यूब चैनल फिनोइश के द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश किया है। बाकी दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे, कभी भी आप कुछ भी स्टॉक लेते हैं या फिर सेल करते हैं, खुद से जो भी एक बार जो है रहना बहुत ज़रूरी है, खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए, ज़रूर कोशिश कीजिए उसके बारे में, स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने का, उसके बाद ही कोई भी स्टॉक बाय या सेल कीजिए। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दिया इस वीडियो के जरिए यूट्यूब चैनल माध्यम से तो वो आपको अच्छा लगा रहेगा। एंड रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करके दोस्तों एनकरेज जरूर कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे ही जो है आपको मुनाफे वाले स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहले बार टाइम विजिट करें हम लोग के यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर एंड जरूर चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइब कर लेना।